सपा के पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में आज कश्यप समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, गौपाष्टी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय योजना का करेंगे शिलान्यास। अपने गृह जनपद कुशीनगर पहुंचे कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू, विधि विधान से किया पूजा। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने बरेली पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2022 चुनाव को लेकर आगरा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया जरूरी दिशा निर्देश, कहा प्रदेश के डीएपी की कोई कमी नहीं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के जहरीले बोल, कहा हिंदुत्व भी आईएसआई जैसा हिंदुत्ववादी राजनीति देश के लिए खतरनाक। सत्ता के लिए ओपी राजभर का भी जागा जिन्ना, प्रेम दिया विवादित बयान, कहा जिन्ना होते पहले पीएम तो नहीं होता भारत का बंटवारा, अटल आडवाणी ने भी की जिन्ना की तारीफ। बिजनौर में बसपा का सम्मेलन, बसपा ने समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक को बना विधानसभा प्रभारी, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। बलरामपुर में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा हमने हमेशा त्याग और संघर्ष के बल पर राजनीति की। हरदोई में सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बड़बोला बयान, कहा आजादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनमें जिन्ना भी थे शामिल। सिद्धार्थनगर में शिवपाल यादव का जनसंपर्क, कहा हम जिस पार्टी के साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, लोगों से किए गए लुभावने वादे। आगरा में सभा पर बरसे मोदी टीम के रणनीतिकार एके शर्मा, कहा प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। लखनऊ में कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा कांग्रेस कहती है हिंदुस्तान का भाईचारा सुरक्षित रहे, लेकिन बीजेपी सरकार में हिंदुत्व मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों को तालिबानी बताकर किया जा रहा अपमान है। कानपुर में सपा विधायक का मेट्रो को लेकर बयान, पूर्व सीएम की है सौगात। देवभूमि में चुनाव का समय नजदीक आते सियासी दलों में बड़ी हलचल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हर घर भाजपा अभियान की शुरुआत की। हरदोई में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर सियासत तेज, आप नेताओं का इस महीने से शुरू हो सकता है चुनावी दौरा। उत्तरकाशी में कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, कहा भाजपा कर रही गलत प्रचार, पूर्व विधायक नहीं हो रहे भाजपा में शामिल।